नमस्कार, क्रांति ओडिशा में आपका स्वागत है। एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेर रहता था। वह उस जंगल का राजा था। शेर की दोस्ती एक चीते के साथ थी। एक दिन शेर ने चीते से कहा कि मैं इस जंगल का राजा हूँ और सब मुझसे डरते हैं। इस पर चीते ने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आपके सामने हाथी आते हैं आपके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वे बहुत बड़े हैं और वो आपसे डरते भी नहीं है। यह बात शेर को अच्छी नहीं लगी। शेर ने चीते से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की? चीते ने कहा, मैं तो आपका दोस्त हूँ। शेर ने कहा कि मैं तुमसे दोस्ती तोड़ता हूँ, अब तुम भी मुझे जंगल के और जानवरों की तरह सम्मान दोगे। इसके बाद चीता वहाँ से चला गया। कुछ दिनों के बाद लोमड़ी, जो कि शेर का मंत्री था, सभी चोरियों के जुर्म के लिए बंदर को पकड़ कर लाया। शेर ने बंदर को 1 महीने की सजा के बाद पहाड़ से गिराकर मारने की सजा सुनाई। इसके बाद बंदर को जेल में बंद कर दिया गया। जब बंदर के दोस्त हिरन को इस बात का पता चला, तो वह बंदर से मिलने के लिए जेल में चला गया। बंदर ने हिरन से बोला कि मैं मरने से पहले एक बार अपने घर वालों से मिलना चाहता हूँ। इसके बाद हिरन शेर के पास गया और बोला कि बंदर को एक बार अपने घर वालों से मिलने के लिए छोड़ दो। शेर ने बोला कि यदि वह भाग गया तो? हिरन ने बोला कि जब तक बंदर वापस नहीं आ जाता, जब तक आप मुझे जेल में रख सकते हैं। शेर ने बोला कि यदि बंदर वापस नहीं आया तो तुमको पहाड़ से गिराया जाएगा। हिरन ने शेर की बात को कबूल कर लिया और बंदर की जगह जेल में बंद हो गया। बंदर को अपने घर वालों से मिलने के लिए छोड़ दिया गया। कुछ दिन हो गए, लेकिन बंदर नहीं लौटा। इसके बाद वह दिन भी आ गया जब बंदर को पहाड़ से गिराना था। शेर और उसका मंत्री लोमड़ी हिरन को लेकर पहाड़ पर गए। उनने बोला कि अब तुमको बंदर की जगह पर गिराया जाएगा। हिरन ने बहादुरी से बोला कि ठीक है, मैं पहाड़ से गिरने के लिए तैयार हूँ। तभी बंदर भी वहाँ पहुँच गया और बोला कि मित्र, तुमको पहाड़ से गिरने की जरूरत नहीं है, अब मैं आ गया हूँ। अभी तक मेरे लिए जेल में बंद रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेर उन दोनों की मित्रता देखकर बहुत खुश हुआ और उन दोनों को मुक्त कर दिया। शेर ने बंदर को चेतावनी दी कि अगर वह आगे से चोरी करेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। शेर ने सोचा कि यह कितने अच्छे मित्र हैं, जो एक दूसरे के लिए जान देने को भी तैयार थे, और मैंने छोटी सी बात के लिए अपने दोस्त चीता से दोस्ती तोड़ दी। शेर इसके बाद चीता से मिलने गया और अपने व्यवहार की माफी मांगी। इसके बाद शेर और चीता दोबारा दोस्त बन गए। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें छोटी छोटी बातों को लेकर सच्ची मित्रता को नहीं तोड़ना चाहिए।